शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप यहाँ के राजा साहब के बारे में सब कुछ जानते होंगे। उनके बारे में कौन नहीं याद बस। क्या हुआ तुम्हें ना रानी साहब नहीं मिली? आप दोनों मिले हुए हैं। कोई रोको इसे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। इससे पहले डाकिनी और दानव मुझे फिर से पकड़ ले, मुझे अधिराज को सब कुछ बताना होगा। ये लोग फिर से आ गए, अब मैं क्या करूं? जय मां। इन्हीं हाथों से प्रहार करती हो ना तुम, अब करो प्रहार। क्या कहा था तुमने? हमारा विध्वंस होगा, प्रलय है हम। जो विध्वंस करता है वो होता नहीं। क्रोध छोड़ो चंद्रा, ये बताओ इस लड़की को कैसे खत्म होते हुए देखना चाहती है? इसे ऐसी मौत दो दांश कि ये अगले जन्म में डाकनी नाम से थर्राए। आज मेरे भाग्य में अगर मृत्यु निश्चित है तो मुझे स्वीकार है, पर मरने से पहले मैं अधिराज को सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरी सहायता करो माँ। सुनो ना, ये कहां से आ गया? मेरे हर काम में विघ्न बनकर आ जाता है। एक बार मैं अपने लक्ष्य को पालूं, फिर मैं सबसे पहले इस अधिराज को खत्म करूंगी। सुना था मैंने माँ, वो शब्द है जिसे सुनते ही हृदय में ममता जाग उठती है, पर तुम जैसे निर्दय पर माँ शब्द का कोई असर नहीं हुआ। अधिराज ने ईश्वर से अधिक माँ का नाम लिया है, खुद से ज्यादा माँ से प्रेम किया है, और तुम जैसे पत्थर को माँ समझकर पूजा की है। कम से कम उस बेटे के बारे में ऐसा मत बोलो। बेटा नहीं है वो मेरा। जानती हूँ, हर पालन पोषण करने वाली माँ से कम नहीं होती, वरना श्री कृष्ण और माँ यशोदा के रिश्ते का कोई आधार ही नहीं होता। पर दुख की बात तो ये है कि तुम ना इंसान हो और ना ही भगवान, तुम तो शैतान हो जिसके पास हृदय ही नहीं होता। बस दानश, मार डालो उसे, मैं अधिराज को संभालती हूं। हे अंबे मां,
न्याय करो। माँ, माँ, कहाँ चले गए थे आप? हम कब से ढूंढ रहे थे आपको? माँ, हम आपको सब कुछ बताएंगे, पहले सुनैना से मिलकर आते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठ जाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। पता है आज हमने कितना बुरा स्वप्न देखा? हमने कहा था ना, किसी की बुरी नजर है आप पे। माँ, नहीं बेटा, जब तक हम आपकी नजर नहीं उतार लेते आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं रुकिए, हम अभी हैं। रुकिए। पर माँ, गई थी? और वो अधिराज उस आफत से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है, बताओ मुझे। रानी, वो मैंने उसे बहुत रोका पर उसने मेरी एक भी ना सुनी, और गांव जाकर उस आफत की नानी से मिला। फिर? और उसने वहां जाकर अपने पिता के विषय में पूछताछ भी की। फिर क्या हुआ? फिर उस बुढ़िया ने एक चित्र भी दिया उस आफत को देने के लिए। चित्र? अधिराज पर नजर रखो। जी। मार डालो इसे, मार डालो इसे। ये अब तक जीवित क्यों है? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम दांश? इसे किसी गुप्त स्थान पे ले जाने की। सही कहा तुमने, ये स्थान ठीक नहीं है, अधिराज को संदेह हो सकता है। मैं ऐसे क्यों लग रहा कि सुने ना मुसीबत में? दरवाजा किसने बंद किया? माँ, कनक, कोई है, दरवाजा खोलो। अब ये द्वार तुम्हारी सुनैना की मृत्यु के बाद ही खुलेगा अधिराज। छोड़ो मुझे, बचाओ अधिराज, अधिराज। कितना चीखोगी, चिल्लाओगी, शांत हो जाओ ना, और कुछ अच्छा सोच लो मृत्यु से पहले। इंसान ऐसे ही कुछ सोचता है ना मरने से पहले।
चलो। कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ इसके मृत्यु की, बस अब और देरी नहीं होनी चाहिए चंद्रलेखा। नहीं मंदाकिनी, इसे तो मैं आराम से मारूंगी, तड़पा तड़पा कर, क्योंकि इसने भी मुझे बहुत तड़पाया है। जब तक ये दैविक कुंदा है ये नहीं मरेगी, छीन लो इसका ये कुंदा। समझ में नहीं आ रहा यहां से बाहर कैसे निकले। और कुछ रखना है क्या? सुनैना दीदी कुछ भी नहीं भूलती थी, लेकिन तारा दीदी आप तो बहुत बड़ी लक्कड़ हो। कोई बात नहीं, दीदी के लौटने से पहले मैं भी सीख जाऊंगी। मुझे पता था दीदी जल्दी लौट कर आएगी। हाँ वो अड़ियल घुड़सवार आ गया तो सुनैना दीदी भी आ ही जाएगी। इसका मतलब वो लड़का सच में आया था, पर नानी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बच्चों पूजा की थाली तैयार हुई या नहीं? आरती शुरू होने वाली है। नानी आ गई। सुनैना, 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 आप में से किसी ने सुनैना को देखा? कहाँ चली गई है सुनैना? कहाँ चली गई तुम सुनैना? कहीं पिताजी के उस छोटे मित्र में तो नहीं? नहीं सुनैना, सुनैना, ये क्या पूरा दिन छमछम लगा रखा तुमने? इसकी आवाज से हमारे कान दुखते हैं। इससे? ये तो पायल है। इसके घुंघरू की आवाज कानों को सुकून देते हैं। इससे दर्द नहीं होता। देखो कितनी प्यारी आवाज है इसकी, छमछम। ये घुंघरू तो सुने ना कि पायल का है। ये धीराज कहाँ चला गया? अगर उस डाकिनी को पता चल गया तो उस आफत से पहले मेरी हत्या कर देगी।
दीदी माफ कर दो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं। ये पूजा सुनैना के लिए है और पूजा की थाली गिर गई, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। क्या हुआ नानी, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कह रही थी कि आरती शुरू होने वाली है, जल्दी से पूजा की दूसरी थाली से जा लो। हे अपने माँ, सुनैना की रक्षा करना। सुनैना, ये यहां कैसे आ गया? सुनैना, सुनैना, रानी मां, वो धीराज, फिर से गलती। सुनैना, सुनैना, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे अधिराज। तुझे क्या लगा कि वो मेरे जादुई बुलबुलों को नष्ट करके अंदर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ना वो अंदर आ सकता, ना वो सुन सकता, ना वो तुझे देख सकता। सुने ना, मुझे जाने दो। ए लड़की, खड़ी रह इधर। अंबे मां, आज मेरी पराजय हो तो कोई बात नहीं, पर असत्य की जीत नहीं होनी चाहिए। अधिराज को सारी सच्चाई पता चलनी चाहिए। चंद्रलेखा को पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं। अब मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना ही होगा, शायद तभी अधिराज इनकी सच्चाई तक पहुंच पाएगा। अपना आशीर्वाद मेरी बच्ची पर बनाए रखना। कुछ तो छुपा रही है नानी। अधिराज और सुनैना के भाग्य को जोड़ने की उम्मीद की किरण दिखाई दी है। मेरी भी माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे अंबे माँ,
आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अधिराज, शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊं, पर मेरा ये बलिदान तुम्हें इनकी असलियत और तुम्हारी असली माँ से जरूर मिलवाएगी। देखा तुमने चंद्रा, ये लड़की उतनी भी जिद्दी नहीं जितनी हम समझ रहे थे। देखो तो सही, खुद ही इतने प्यार से मरने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में सौंप रही हूं। अपने सुंदर नैन खोलो सुनैना। मूर्ख लड़की, ये सारी कोशिशें बेकार हैं तुम्हारी, क्योंकि मैंने तुम दोनों के बीच एक ऐसे जादुई बुलबुले का निर्माण किया है जिसके कारण वो तुम्हें देख ही नहीं सकता ना सुन सकता है। दांश, अब और देर नहीं, ले चलो इसे उस जगह पर और चुनवा दो इसे। इसे देखो चंद्रलेखा, कितना बेचैन हो रहा है और अब भागा भी। तभी तो मैंने इसके पिता को मार दिया और इसको इसकी माँ से अलग कर दिया और अब इसकी पत्नी से भी। जीवन भर ढूंढता रहेगा अपनी सुनैना को। अधिराज, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पति के रूप में तुम मिले। वर्ष, अगर तूने हमारी सुनैना को हाथ भी लगाया होगा तो अम्बे माँ की शपथ, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे।